नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सेप्टिक टैंक से जुड़े आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, उन सब सारे सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे। अब जैसे उस सवाल आपको हम बता देते हैं कि भाई लोग के जो हमसे पूछते हैं, सर सेप्टिक टैंक का दीवाल जो है वाल उसका थिकनेस कितना रखेंगे, 9 इंची रखें कि 4 इंची रखें कि 6 इंची रखें। सर सेप्टिक टैंक का आरसीसी का बनाए, मतलब कंक्रीट वाला बनाए कि हम जो है ईट का बनाए। फिर एक आता सर सेप्टिक टैंक जो है ईट वाला अगर हम बना रहे हैं वो रेड ब्रिक का बनाए कि फ्लाई ऐश का बनाए। एक और सवाल आता है कि सर सेप्टिक टैंक का साइज क्या दे सर, और एक और सवाल आता है सर सेप्टिक टैंक जो है मैं कितना चैम्बर पार्टीशन दे, मतलब कितना केबिन रहेगा, सेप्टिक टैंक को 2 पार्ट में डिवाइड करें या 3 पार्ट में डिवाइड करें। सर सेप्टिक टैंक की में ही जो है सोक पिट बना दे या कि सोक पिट के लिए अलग सा हम जो बनाए। इतने सारे सवाल का जवाब जो है आज हम इस वीडियो के जरिए देंगे, जहां पे जो है आप पूरा क्लियर हो जाएंगे। अगर आप सेप्टिक टैंक के साथ ही सोक पिट जो बनाता है ना, वो ज्यादातर देखते होंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है बहुत दिन बाद भरता है, भरने में समय लगता है, ये तो अच्छी बात है। नहीं तो जो है बस आप 2 पार्टीशन करेंगे, मतलब कि 2 ही उसमें केबिन रखेंगे, फिर आपका भरने बहुत जल्दी भर जाएगा, आपको हर 1 साल 2 साल के अंदर जो है उसको डीवार मतलब कि खाली करवाना पड़ेगा। सवाल ये है कितना केबिन दिए, तो वीडियो को आज जो है पूरा आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाला है। तो पहला हम चलते हैं सेप्टिक टैंक के वाल के थिकनेस को लेकर के, जो है वाल थिकनेस कितना है। देखिए क्या है कि अब ये चीज जो है डिपेंड करता है आपका, अगर हम बात करें सबसे पहले बात करते हैं कि अगर जिस भी एरिया में आप सेप्टिक टैंक बना रहे हैं वहां पे पानी जम जाता है या गड्ढा खोदने से पानी आ जाता है, उस समय आपको जो सेप्टिक टैंक बनाना पड़ेगा आरसीसी का, जो पूरा कंक्रीट जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर इसकी वाल की थिकनेस की बात करें, आरसीसी का वाल का थिकनेस ज्यादा आपका 6 इंची रहता है, 6 इंची जैसे 6 इंची में आपका काम हो जाएगा, यहां तो क्लियर हो गया। वही अगर आप ब्रिक का बनाते हैं, ब्रिक में फ्लाइश हो चाहे रेड ब्रिक हो, उसका वाल की थिकनेस की अगर हम बात करें वो आपको 9 इंची लग जाएगा। कभी भी गलती से अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक गलती जो यहाँ हुआ है वो सेप्टिक टैंक के वाल का थिकनेस जो है बस 4 इंची दे दिया गया है, ऐसे गलती कभी ना करें। इस तरह गलती करेंगे तो जो सॉइल का जो सैंड का जो प्रेशर होगा इसके ऊपर पड़ेगा, वो आपका पूरा जो है सेप्टिक टैंक क्रैक हो जाएगा, पूरा जो है फ्लोर धस जाएगा, ऐसा गलती बिल्कुल आप नहीं कीजिएगा। हाँ भले ही चारों साइड का वाल आपका जो है 9 इंची का रहेगा लेकिन बीच का जो पार्टीशन वाल है जिसको वो आपका जो है 4 इंची का दे सकते हैं। 4 इंची का चारों साइड का वाल बिल्कुल मत दीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो वाल थिकनेस को लेकर क्लियर हो गया कि वाल थिकनेस हमें अगर हम आरसीसी का दे रहे हैं तो वो हमें देना है किसका, कि 6 इंची थिकनेस रहेगा उसका, मतलब 5 से 6 इंच थिकनेस आप ले जा सकते हैं। वही अगर आपका ब्रिक का दे रहे हैं चाहे रेड ब्रिक हो चाहे फ्लाई ऐश ब्रिक हो, वो आपका चारों साइड का वाल 9 इंची का देना है और बीच का वाल जो रहेगा आपका 4 इंची का देना है। वाल थिकनेस क्लियर। अब सवाल आता है सर आरसीसी का करें कि ब्रिक वर्क का करें। देखिए मैंने बताया कि जहां पे पानी का लेवल खोदने के साथ ही 2-3 फीट में जो है पानी आ जाता है, वहां पे आपको जो आरसीसी का करना है, और जिस एरिया में पानी नहीं आता है ड्राई एरिया है वहां पे आपको जो है ब्रिक का करना है। ये तो क्लियर हो गया। अब एक और सवाल यहाँ पे आता है कि भाई सर ब्रिक में फ्लाइश का करे कि रेड ब्रिक का करे। हम यहाँ पे सजेशन देंगे कि आपको जो है रेड ब्रिक का ही जो है सेप्टिक टैंक बनाना है। फ्लाइश का जो है अगर आप फ्लाइश का बनाते हैं तो एक अच्छा क्वालिटी जो कि इक्विवेलेंट रहता है रेड ब्रिक जैसा, मजबूत रहता है जिसमें पानी लगने से भी जो है वो खराब नहीं होता, वैसा ब्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लाइश का। फ्लाइश और रेड ब्रिक भी क्लियर हो गया। टोटल हम आपको जो है यहाँ पर 4 चीज क्लियर किए हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी साइज को लेकर, सर कितना बड़ा साइज हम बनाए सेप्टिक टैंक का। देखिए साइज जितना बड़ा बनाइएगा उतना बेहतर, उतना भरने में समय लगेगा, ठीक है, ये चीज आपको जो है ध्यान में लेकर चलना। और यहाँ कुछ चीज आप बता दो, देखिए
यहाँ पे जो 9 इंची का बना है उसके सॉरी 5 इंची का सेप्टिक टैंक का देखिए क्रैक जो डेवलप होना शुरू हो गया, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ये तो अभी और क्रैक होगा जैसे सॉइल सेटल होगा। हाँ, हम बात कर रहे थे यहाँ पे साइज को लेकर के, जो है साइज जो है अगर इंटरनल साइज की बात करें अगर हम, तो अगर 10% आपके घर में है तो 8 फिट × 4 फिट और डेप्थ आपका जो है जाएगा 6 फिट के आसपास। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड साइज सेप्टिक टैंक का। अब तो ऐसे नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से बढ़ते रहेगा एक स्टैंडर्ड साइज। हाँ, ये हम इनर मेजरमेंट की बात की, आउटर जो है 1.5 फिट जुड़ जाएगा, ठीक है, 9 इंच का वाल रहेगा। तो ये हो गया आपका। अब एक और सवाल आता है कि सर पार्टीशन को लेकर सर कितना पार्टीशन करें, दो ही पार्टीशन करें या 3 करें। देखिए क्या है कि अगर आप जो है जरा समझिएगा, 3 पार्टीशन करते हैं, दो केबिन में जो है आपका रहेगा स्लज मटेरियल और एक में जो रहेगा पानी का ओवरफ्लो रहेगा जिसका जो है प्लास्टर आपको नहीं करना है। हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। और उससे बेनिफिट क्या होता है कि जैसे कि 2 में आपने जो है ये किया, ठीक है, सलज 2 में जो पूरा प्लास्टर करके पूरा पन्निंग चढ़ा दिया, दोनों में सलज रहेगा, और 3रा में जो रहेगा आपका पूरा ओपन कर दीजिए इस तरीके से, उसमें थोड़ा होल भी सब भी छोड़ दीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं सोक पिट। अब यहाँ पे एक और सवाल क्या है सर, उसको साथ में बनाए या सोक पिट को अलग बनाए। अब इसका भी जवाब देखिए आपके ऊपर है, आप सेप्टिक टैंक के साथ ही बना सकते हैं सोक पिट, या नहीं तो है सेप्टिक टैंक के बगल में भी सोक पिट बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हर तरह का ऑप्शन मैं दे दिया हूँ, हर तरह का जो है क्वेश्चन आपके मन में जो था उसका मैंने आंसर दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, कोई भी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो सेप्टिक टैंक से जुड़ी हुई भी जो भी चीज था पूरा क्लियर, जहां पे कैसे बनाना है, क्या ध्यान रखना है। तो हाँ, एक और चीज आता है, एक सवाल कि कभी कभी क्या होता है जब सेप्टिक टैंक हम लोग जो है बिल्डिंग के अंदर ही बनाते हैं, चाहे पार्किंग एरिया में, चाहे जो है आपका सीढ़ी के नीचे, तो उस समय क्या होता है कि घर का जो फाउंडेशन होता है वो जो है दिखता है उसमें, आप सेप्टिक टैंक के बेस में, ऐसा ना हो। तो जहां पे सेप्टिक टैंक का बेस आ रहा है और वहां पे अगर आपको पहले से पता है कॉलम का फाउंडेशन आ रहा है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि उसका बेस जो है कॉलम का, बिल्डिंग का कॉलम का, वो और सेप्टिक टैंक के जो बेस से और भी डेप्थ होना चाहिए, कम से कम जो है 2 से 3 फीट। ऐसा ना हो कि सेप्टिक टैंक के बेस में जो है कॉलम का फाउंडेशन दिखे, तो इस तरह गलती ना कीजिएगा। ये सब छोटे मोटे चीज है जो कि आपको सेफ्टी टैंक बनाते समय ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं कि आप जो सेफ्टी टैंक बना रहे होंगे प्रॉपर तरीके से बनाए होंगे। हाँ, अगर आपको सेफ्टी टैंक जो बनाए हैं उसमें कुछ भी तरह का कंफ्यूजन है, चाहे कुछ प्रॉब्लम हो गया है आपके घर में, उसका फोटो वीडियो बना करके आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका हम जो है समाधान आपको बताएंगे कि उसको कैसे सोल्यूशन देना। क्योंकि बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है सर हमने सेफ्टी टैंक तो बनाया तो है, लेकिन दिक्कतें क्या आ रही है कि भाई सर पानी जो है उसमें जाते ही वो जो है पूरा सोख लेता है, लीकेज कर रहा है, उसका समाधान बताएंगे कैसे क्या करना। पहले आप फोटो वीडियो बना के भेजिए। दूसरा सर सेफ्टी टैंक में क्रैक आ गया है, तो ये सब कुछ को लेकर के जो है हम डिटेल के साथ आपको वीडियो बना करके देंगे। पहले आप सवाल पूछिए, अगर कुछ समस्या है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी था उन लोगों के लिए जो अपना सपनों घर बनाते समय जो है सेफ्टी टैंक का निर्माण कर रहे हैं, और जहाँ पर सेफ्टी टैंक है नहीं, सीवेज लाइन है, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पसंद आए लाइक इसे रिकमेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। और चैनल वालों को सब्सक्राइब करते हो जाइएगा, आजकल आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।